सामने शंकरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में इनकम टैक्स विभाग ने छापामार कार्रवाई की। 20 सदस्यों की टीम दफ्तर में दस्तावेज खंगाल रही है। इसके अलावा दर्रीपारा के हॉस्पिटल में भी छापेमारी की गई। दोनों ही जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो शंकरा कंस्ट्रक्शन के दफ्तर में इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। दर्रीपारा के हॉस्पिटल में भी छापेमारी चल रही है। दोनों ही जगहों पर पुलिस बल इस वक्त तैनात किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई, कवर्धा में शंकरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। 20 सदस्यों की टीम इस वक्त दस्तावेजों को खंगालने में लगी है। दर्रीपारा के हॉस्पिटल में भी छापेमारी चल रही है और दोनों ही जगहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो कवर्धा में इनकम टैक्स विभाग इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है शंकरा के नाम से, इस पर इसके दफ्तर में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। 20 सदस्यों की टीम दफ्तर में दस्तावेज खंगाल रही है और इसके अलावा दर्रीपारा के हॉस्पिटल में भी छापेमारी की गई। दोनों जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर कवर्धा से है, जहां पर इनकम टैक्स विभाग इस वक्त एक कार्रवाई कर रहा है। शंकरा कंस्ट्रक्शन के दफ्तर में ये छापेमारी की गई है। 20 सदस्यों की टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है इस वक्त और दर्रीपारा के हॉस्पिटल में छापेमारी चल रही है। दोनों ही जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। जी मीडिया संवाददाता सतीश तंबोली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, इस छापेमार कार्रवाई में क्या कुछ हासिल हुआ है, जानकारी मिल रही है? जी, दरअसल जो है अभी 20 सदस्यीय टीम आईटी का जो है वो यहाँ छापेमारी कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक किसी तरह की जानकारी उनके द्वारा जो है मीडिया को नहीं दी गई है। और 20 सदस्यीय टीम जो है उनके ऑफिस के अंदर जो है अपने सारे जो फाइलें जो है अभी खंगाल रही है और कोई भी चर्चा अभी उनके द्वारा मीडिया से नहीं की गई। मीडिया से लगातार उनके द्वारा दूरी बनाई गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि कार्रवाई पूरे होने के बाद मीडिया को ब्रीफिंग करेंगे। जी शुक्रिया सतीश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये छापेमारी शुरू हो गई, हालांकि क्या कुछ हासिल हुआ, किस तरीके की गड़बड़ियां थी, किस बिना पर ये छापेमारी शुरू हुई, इसके बारे में अभी जो आईटी विभाग की टीम है उसने कुछ साझा नहीं किया, कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन 20 सदस्य पहुंचे हैं और 20 सदस्यीय टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है।